तो मिले कहीं जो मुझको सीने से लगा। बिछड़ी हुई प्रेमिका को सीने से लगाने की प्रेमी की हसरत को रूहानी आवाज देने वाला यह गीत इस बात का सबूत है कि प्रतिभा किसी बात की मोहताज नहीं होती है। मेरी हसरतों की दुनिया, मेरी हसरत। प्रतिभा चाहे जहाँ भी हो, जिस रूप में हो, अपनी छाप छोड़ जाती है। तू जहाँ है जहाँ प्यार मेरे, मेरे ख्वाबों की मंजिल वही है। बिल्कुल मामूली फिल्म में लगभग गुमनाम कलाकारों पर फिल्माया गया यह गीत अपने बेहतरीन बोल, अपने बेहतरीन संगीत और बेहतरीन गायकी की बदौलत बड़ी से बड़ी फिल्मों के बड़े से बड़े एक्टरों पर फिल्माए गए हजारों गीतों से भी आगे निकल गया। मेरी हसरतों की दुनिया, मेरी हसरतों की दुनिया। वक्त के थपेड़ों को झेलता हुआ यह गीत आधी शताब्दी बाद भी लोगों के दिलों में ताजा है, जबकि इस दौरान बड़ी से बड़ी फिल्मों के बड़े से बड़े कलाकारों पर फिल्माए हजारों गीत कहां गुम हो गए किसी को पता नहीं। चढ़ती दरिया या उठती तूफान, कैसे रोकेंगे हमको यहां पर। इस वीडियो में आपको रूहानी सुकून देने वाले इस गीत के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां देने जा रही हूं। आप बने रहिए हमारे साथ। आपने अगर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों के बारे में जानी अनजानी और दुर्लभ जानकारियां देने वाला चैनल ग्रेट लेजेंड्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो की तरफ। नमस्कार दोस्तों, फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों पर आधारित हमारे चैनल ग्रेट लेजेंड्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने गुदड़ी में लाल की कहावत जरूर सुनी होगी। यह गीत उसी कहावत को चरितार्थ करता है। तू जहाँ है, तू जहाँ है। हर तरह की सुविधाओं से वंचित, धूल मिट्टी में खेलकर और हर तरह की मुश्किलों को सहकर कोई व्यक्ति अपनी प्रतिभा से दुनिया को रोशन कर जाता है। ठीक इसी तरह से यह गीत आज भी संगीत प्रेमियों के दिलों को रोशन कर रहा है। तू जहाँ है जहाँ प्यार मेरे, मेरे ख्वाबों की मंजिल वही है। इस गीत को सुने तो आपको लगेगा कि यह गीत किसी बड़ी फिल्म का गीत होगा जो शायद बड़े एक्टरों पर फिल्माया गया होगा और जिसके गीतकार और संगीतकार बहुत ही मशहूर होंगे। लेकिन आपको विश्वास नहीं होगा कि इतना बेहतरीन गीत 1974 में रिलीज हुई अत्यंत छोटे बजट की अत्यंत मामूली फिल्म गाल गुलाबी नैन शराबी का है, जो कब आई और कब चली गई कुछ नहीं पता। इस गीत को लिखा था एक गुमनाम से संगीतकार कुलवंत जानी ने और संगीत दिया था संगीतकार श्यामजी घनश्याम जी ने, जिनकी गिनती संगीत की दुनिया में तीसरी चौथी श्रेणी के संगीतकारों में ही होती रही और जिनको वह सम्मान और प्रसिद्धि कभी नहीं मिली जिसके वह वाकई हकदार थे। झील सी गहरी आँखों में कुछ देखा हमने, क्या देखा। फिल्म में इस गाने को सुनेंगे तो आपको शायद ऐसा एहसास हो सकता है कि श्यामजी घनश्याम जी की बेहतरीन संगीत रचना का शायद सही जगह उपयोग नहीं हुआ। लेकिन एक मामूली फिल्म के नगमे होने के बावजूद अगर इन नगमों ने तमाम बंदिशों और सीमाओं को लांघते हुए अमरता हासिल कर ली तो आप सोच सकते हैं कि अगर ये बेहतरीन नगमे किसी टॉप ग्रेड की फिल्म में किसी टॉप ग्रेड के एक्टर पर फिल्माए गए होते तो किस तरह से तहलका मच जाता। जहां तक श्यामजी घनश्याम जी की बात है, वह उन संगीतकारों में शामिल है जिन्हें शोहरत
तो ज्यादा नहीं मिली और ना ही टॉप ग्रेड की फिल्मों में काम करने के मौके मिले, लेकिन उनके संगीत हमेशा टॉप ग्रेड की ही वो मुझको मिल सके ना। उन्होंने अनेक बेहतरीन गीतों और नातों को संगीत दिया। उनकी ये नातें बहुत लोकप्रिय हुईं। इन नातों में ज्यादातर नातों को रफी साहब ने आवाज दी थी। रफी साहब ने इनके संगीत निर्देशन में लगभग 10 फिल्मों में 25 गाने गाए, जिनमें 11 एकल गीत हैं। गाल गुलाबी नैन शराबी फिल्म के इस युगल गीत में रफी साहब का साथ दिया है एक गुमनाम सी गायिका कृष्णा कल्ले ने। चढ़ती दरियाया उठती तूफान, कैसे रोकेंगे हमको यहाँ पर। लता मंगेशकर के वर्चस्व के दौर की गायिका कृष्णा कल्ले भी उन गायिकाओं में शामिल है जिन्हें गाने के मौके नहीं मिले और जिनकी प्रतिभा की अनदेखी की गई। यह गीत कृष्णा कल्ले की गायन प्रतिभा का भी एक उदाहरण है। तू मिले कहीं जो मुझको, सीने से लगा लूं तुझको। आज के इक्के दुक्के लोग ही शायद उस गायिका को जानते होंगे, लेकिन आज भी यह गाना सुनते वक्त रफी साहब और साथ ही साथ उस अज्ञात गायिका की आवाज की जादू का एहसास होता है। किस तरह से रफी साहब की आवाज पाते ही एक बेहद मामूली फिल्म का गीत यादगार बन गया, यह एक आश्चर्य का विषय है। पूरे होंगे सारे वादे। कृष्णा कल्ले ने मराठी गायिका के रूप में अपनी यात्रा शुरू की। वह 1960 से 1970 के दौरान करीब एक दशक तक गायन के क्षेत्र में सक्रिय रही और उन्होंने करीब 200 हिंदी फिल्मी गाने, 100 मराठी फिल्मी गाने और 100 भजन, गजल और भक्ति गीत गाए। मन्ना डे साहब और मोहम्मद रफी साहब के साथ गैर फिल्मी गीतों के एल्बम भी जारी हुए थे। कृष्णा कल्ले का 15 मार्च 2015 को 74 वर्ष की आयु में मुंबई में निधन हो गया। मेरी हसरतों की दुनिया, मेरी हसरतों की दुनिया। इस गीत को फिल्माया गया था किरण कुमार और राधा सलूजा पर। किरण कुमार अपने समय के अभिनेता जीवन के पुत्र हैं, जिन्होंने थिएटर में अभिनय करना शुरू किया और फिर फिल्मों में अभिनय करने लगे। उन्होंने फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे से पढ़ाई की। किरण कुमार ने 1971 में फिल्म दो बूंद पानी से करियर की शुरुआत की। उन्होंने कुछ फिल्मों में हीरो की भूमिका की, लेकिन बाद में सहनायक या खलनायक की भूमिका करने लगे। राधा सलूजा भी वैसे हीरोइन रही जिन्हें समुचित अवसर नहीं मिले। उन्होंने हिंदी, पंजाबी तथा तमिल के अलावा बंगाली, तेलुगु तथा कन्नड़ फिल्मों में काम किया। वह फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से प्रशिक्षित हैं। हिंदी फिल्मों में संन्यास लेने के बाद वह इन दिनों लॉस एंजलिस में अपने पति समीम जैदी के साथ रह रही हैं। आज इस फिल्म को फिल्म के कलाकारों को, गीतकार को, संगीतकार को और यहाँ तक कि सह गायिका को भुलाया जा चुका है, लेकिन मोहम्मद रफी की आवाज पाते ही अमरता हासिल करने वाले उस गीत को आज तक नहीं भुलाया जा सका। मेरी हसरतों की दुनिया, तू मेरे कहीं मुझको। और जैसे ही आपके कानों में वह गीत कहीं दूर से भी सुनाई पड़ जाए या उसकी एकाध लाइन आपके कानों में पड़ जाए तो आप उसी गीत में खो जाते हैं। मेरी हसरतों की दुनिया, मेरी हसरतों। कहा जा सकता है कि रफी साहब एक पारस थे। ऐसे संगीतकारों की एक लंबी सूची है जिनको रफी साहब ने मिलने वाले भुगतान की परवाह किए बगैर सहारा दिया और उनके लिए गीत गाए। छोटे से छोटे संगीतकार भी जानते थे कि अगर संगीत अच्छा होगा तो रफी साहब उनके लिए
गाने से कभी मना नहीं करेंगे। चोटी के गायक होने के बावजूद रफी साहब ने कई अत्यंत छोटे संगीतकारों के संगीत रचनाओं को अपनी आवाज देकर उनकी संगीत रचनाओं को अमर कर दिया, और यही कारण है कि आज भी इन छोटे संगीतकारों की उत्तम रचनाएं सुनने को मिलती हैं। अन्यथा ऐसे बेहतरीन संगीत से हम वंचित हो जाते। दोस्तों, गाल गुलाबी नैन शराबी का ये गीत इस बात के सबूत कि प्रतिभा किसी बात की मोहताज नहीं होती। हाँ, यह अलग बात है कि कई प्रतिभावान लोग शोहरत पा जाते हैं और कई प्रतिभावान लोगों को वह शोहरत नहीं मिलती जिसके वह हकदार होते हैं, लेकिन उनके काम धुंधले नहीं पड़ते। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। श्याम जी, घनश्याम जी और कृष्णा कल्ले के बारे में एक अलग वीडियो में विस्तार से चर्चा होगी। यह वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। श्याम जी, घनश्याम जी के कौन से गीत आपको सबसे अच्छे लगे, उनके बारे में अगर आप कुछ खास जानकारी रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, ताकि उन्हें अगले वीडियो में शामिल किया जा सके। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों से जुड़ी कोई नई कहानी या नई जानकारी लेकर हाजिर हो जाऊंगी। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।